नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपके साथ मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आई हुए मैसेज का रिप्लाई देना चाहूँगा। मेरे पास जो मैसेज आया है वह हितिशा जी का। इन्होंने लिखा है, सर इफ़ वी कांट मेक किचन इन साउथ डायरेक्शन एज इट इज़ ओपन व्यू देन वेयर टू मेक किचन। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा हितिशा जी, आपकी किचन साउथ डायरेक्शन में बन सकती है, लेकिन आपके घर का साउथ का भाग कंप्लीट ओपन है। आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में जो ओपन एरिया है उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन बनाएं। जब आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन बनाएं तो ध्यान रखना है जो किचन का फ्लोर लेवल है वो आपके घर के अंदर के फ्लोर लेवल के बराबर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है, जब साउथ ईस्ट के एरिया में आप अपने किचन बनाते हैं उसमें 7 फीट 8 फीट 10 फीट का एरिया आप किचन के अंदर लेते हैं, तो जितना एरिया आप किचन के लिए लेते हैं उतना ही एरिया साउथ ईस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट कॉर्नर तक उस एरिया को भी आपने घर के लेवल के बराबर करना है। और इसी के साथ जो आप किचन को छत से कवर करेंगे तो वो भी आपका साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक उतना हिस्सा कंप्लीट कवर करना है। ऐसा करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट बेहतर जरूर मिलेंगे। अब कई बार स्टेज ऐसी भी हो जाती है कि बजट अच्छा नहीं है, पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और किचन गलती से नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है और घर के साउथ ईस्ट में बेडरूम बना हुआ है या कुछ और बना हुआ है और किचन को वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन ओपन एरिया है तो वहाँ पर जो ओपन एरिया है वहाँ पर भी आप अपनी किचन बनाएंगे तो कन्फर्म है उसका भी रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। जो बातें मैंने आपको पहले बताई है ये तो एक आपको परफेक्ट वास्तु के हिसाब से बताइए कि इस तरीके से आप परफेक्ट वास्तु करके अपने घर के अंदर बहुत बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है कि व्यक्ति का बजट नहीं होता, फाइनेंशियली वीक होते हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं अपने घर की किचन जो नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है उस किचन को वहाँ से हटाकर साउथ ईस्ट में बनाऊं, तो वहाँ पर आप शेड डालकर भी किचन बना सकते हैं। वहाँ पर दीवार पार्टीशन लगाकर छत डालकर, चाहे टुकड़े की छत डालें, चाहे आप लेंटर डालें, चाहे वहाँ पर शेड डालें, इक्वल करके वहाँ पर आप अपनी किचन बनाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप देहात में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं और आप अपने घर के अंदर चूल्हा इस्तेमाल करते हैं तो वो चूल्हा आप साउथ ईस्ट जोन में लगा सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। चूल्हा कौन सा, धुएं वाला चूल्हा, उसमें आप लकड़ी इस्तेमाल करते हैं या उपले इस्तेमाल करते हैं, वो चूल्हा आप साउथ ईस्ट में रखेंगे तो भी आपके घर के अंदर अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, हेल्थ आपकी अच्छी होती चली जाएगी। ये छोटा सा उपाय आप अपने यहाँ पर करेंगे आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगती है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताता रहता हूँ। आप मेरी वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।